यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने हफ्ते को पार्लियामेंट में आम बजट पेश किया। इस बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए बहुत सारे बड़े ऐलान किए गए हैं, तहम कुछ ऐलान ऐसे भी किए गए हैं जिसके बाद आम लोगों को दरकार चीजें महंगी हो जाएंगी। आने वाले दिनों में फुटवेयर, जूता, सैंडल समेत अन्य प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की कस्टम ड्यूटी में सरकार ने 10% का इजाफा किया है। साथ ही फर्नीचर प्रोडक्ट्स की कस्टम ड्यूटी में भी 5% का इजाफा किया गया है, जिससे फर्नीचर भी महंगे हो जाएंगे। आम बजट में सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज है, जिससे आने वाले दिनों में सिगरेट के अलावा तमाम तंबाकू प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। हालांकि बीड़ी पर टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना, काजू, ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस प्रोडक्ट, लाउड स्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, पीवीसी और टाइल्स के महंगे होने का अंदेशा है। वहीं एसी, फैन, सीसीटीवी कैमरा, गाड़ी के हॉर्न जैसे प्रोडक्ट भी महंगे हो सकते हैं। यही नहीं, इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइस भी महंगे हो जाएंगे। बता दें कि टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए प्यूरिफाइड टेरापैथिक एसिड यानी पीटीए पर एंटी डंपिंग चार्जेस खत्म किए गए हैं। न्यूज प्रिंट और हल्के कोटेड पेपर के इंपोर्ट पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से घटाकर 5% किया गया है। फ्यूज, केमिकल्स और प्लास्टिक जैसे कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। इसके अलावा कच्ची चीनी, फॉरेस्ट्री बेस्ड एनिमल प्रोडक्ट्स, टूना बेत, स्किम्ड दूध, कुछ अल्कोहल वाली ड्रिंक्स, सोया फाइबर और सोया प्रोटीन पर दिए जाने वाली कस्टम ड्यूटी राहत को सरकार ने वापस ले लिया है।